सो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ। चलो चलो चलो, चौपड़े यहाँ से 55 या तो 56 किलोमीटर से ओनली। आपने घबराना नहीं है। अभी 4:30 बज रहे हैं। ये रास्ते में ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैं हाफ डे आया था, तब मैं बस में आया था। दोस्त आए, मैं चोपड़ा निकल रहा हूँ, काला कपड़ा चाला चोपड़ा। कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कॉल आने शुरू हो गए। इतना फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है गुड़ चाले। एकदम प्लेन रास्ता है ये, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा रास्ता रहेगा। चोपड़ा में आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं 2 साल रहने वाला हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए, यहाँ पे मेरी स्कूल हुई है। बारिश नहीं हो रही लगता है इतने सालों से इधर, या तो हुई भी होंगी लेकिन उतना इफेक्ट नहीं हुआ है इधर बारिश का। ए मच बता रहे हो, नासिक में आप लोगों को पता होगा ऑल ओवर द हाईवे ग्रीननेस बहुत रहता है। चला जा बहुत इधर नहीं होगा, आगे जाके होगा। चोपड़ा जो आता है उसके बीच में तापी नदी वाला एरिया आता है, मुझे अच्छे से याद है। मेरे को अभी निकलना होगा क्योंकि सूर्य देवता अभी हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। इस वजह से अभी उनको भी जरा उनसे बच के रहना होगा। हेलमेट अभी मेरा थोड़ा सा खराब है, ये राइडिंग हेलमेट नहीं है, ये मेरा राइडिंग हेलमेट मेरे पास में है, स्पोर्ट्स बाइक वाला एक्चुअल, बट वो वाला हेलमेट अभी मुझे मिल नहीं रहा था, इस वजह से मैं नासिक से आ गया था जल्दी से जल्दी। काम करूंगा बुलेट के लिए, अच्छा से अच्छा नया हेलमेट खरीदने की कोशिश करूंगा सबसे पहले नासिक जाने के बारे में। तभी टेंशन नहीं, ये भी एक हेलमेट जो है वो अच्छा ISI मार्क वाला एरोस्टार कंपनी का, बट मेरे को नहीं लगता कि वो सेफ है उतना। मुझे लेना एक अच्छा हेलमेट यहाँ के लिए ताकि मैं ब्लॉगिंग भी कर सकूँ उसमें, और आगे जाके मेरे को GoPro लेना है, GoPro का अटैचमेंट भी लगा सकूँ। आज बहुत अच्छे से धोया है, क्लीन किया है, आप लोग देख सकते हो एकदम सेक्सी दिख रही, एकदम चमक रही है। अपनी बुलेट बोले तो एकदम रैपचिक दिख रही है। एंड अभी मेरे को निकलने दो, मैं लोगों से आगे जाके बात करूँगा। तो लेट्स गो। गाइस चोपड़ा पहुंचने पे हूँ मैं, और 2 किलोमीटर ही यहाँ से चोपड़ा, और यहाँ पे अभी मैं गन्ने का जूस पीने को बैठा था। अब जाके मेरी प्यास बुझी है गाइस। ओह माय गॉड, बहुत पेट दुख गई, इतनी देर से बैठ के बैठ के चला रहा हूँ, और जो रास्ते थे बीच के वो रास्तों में मेरे को बहुत परेशानी हुई है, लिटरली मैं बहुत परेशान हुआ हूँ रास्तों में। पहुंच जाऊंगा फिर आप लोगों को, आगे का मैं दिखाता हूँ क्या है। पहले तो मैं इधर घूमूंगा थोड़ा, के बाद में मेरे दोस्त दिनेश के यहाँ पे जाऊंगा, स्कूल के टाइम का फ्रेंड है मेरा, तो उसके पास में जाऊंगा स्टे करने के लिए आज का। आज अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स मिल सकते हैं तो मैं उनसे भी मिलने की कोशिश करूंगा जरूर। ये सब आज का दिनचर्या है मेरी, आधा दिन तो खत्म हो चुका है आने में इधर, बट अभी और आधा दिन जो बाकी है या तो रात बाकी है उसको वेस्ट नहीं करने का अपने को। बताओ अभी क्या करा जाए इसका। मैं आपको चोपड़ा दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पे, और मैं वो भी दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे रहता था। रुको जरा, सबर करो, मेरी स्कूल कहाँ पे थी और मेरा जहाँ पे उठना बैठना ज्यादा रहता था, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। रॉकेट टाइट हो जाएंगे अभी, आज लाया हूँ तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करवाना बनता है। थक गया हूँ, एंड बैग में सब सामान, वैसे पानी भी खा लिया। ये है यहाँ का मेन चौक जहाँ पे बजरंग बली का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शिवाजी महाराज की मूर्ति है। तो यहाँ पे मैं बचपन में बहुत आने जाने रहता था इधर, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा आगे जाके मेरा घर कहाँ पे था। आप लोग देख के शॉक हो जाओगे कि मैं कहाँ पे रहता था। दिखा दूँ, ये है चोपड़ा का ग्रामीण पुलिस स्टेशन, और मैं यहाँ पे रहता था।
ये चोपड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे मेरे पप्पा बैठते थे ये कैबिन के अंदर। और वहाँ पे जो गेट देख रहे होंगे आप एक अंदर में, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। ओके तो ये घर था, यहाँ पे हम लोग रहते थे। क्या मत बनाओ लोगों को। इधर के पुलिस स्टेशन के अंदर से इधर गए, यहाँ पे घर था और ऊपर छत में हम लोग बहुत खेलते थे। यहाँ पे भी ग्राउंड है छोटा सा, असंभव आपको दिखा देता हूँ। पूरा मूड खराब कर दिया। हो पप्पा मम्मी ने दाखो ने सेटी शूट करून घेतोय। मी 3-4 वर्षा नंतर आलेलो आहे अंकल। काही नाही इथे बघायला आलो होतो आता। काय आंटी कसे? अरे वा, चार वर्ष घेऊन गेले, चार वर्ष परत चार नाही 6 वर्ष झालं, तिथून निघून 6 वर्ष झालं। और गाइस दूसरा स्पॉट था मेरा ये पुलिस लाइन, ये हमारे घर के एग्जैक्ट पीछे ही है पुलिस लाइन। यहाँ से तो यहाँ पे मैं बहुत खेलता था और यहाँ पे बहुत मजा करता था हमेशा, यहाँ पे बहुत मजा आती थी पहले घूमने को भी। अभी मेरे को कोई पहचान वाने वाला तो इधर लग नहीं रहा मुझे, सब निकल गए। गड़ गया चूहिया। मैं आप लोगों को यहाँ से मैं कौन से क्लास में था वो भी दिखाने वाला हूँ। रास्ता था मेरे को, रास्ते रास्ते सब पता है यहाँ के। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? ओके सो गाइस यहाँ पे जो क्लास दिख रही है आपको पीछे, प्रशांत इंग्लिश क्लासेस, इधर 7th-8th के टाइम में था मैं और काफी अच्छे से सिखाते थे सर। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? यहाँ पे सोनू ने सर नाम था उनका, आयत का सर आता। क्या बोला तूने? बाहर गए का? अच्छा अच्छा, हो हो नहीं कहीं नहीं बेटा से होता सर, नाशिक में आलो तो इतने हो तो ना मैं क्लास ला, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे 2 वर्ष। हाँ इतने चोपड़ाला फिरायला आलो पर तो सरांशी बेटा से होता सर, तेव्हा भेटून घेसा। हाँ ओके सो गाइस मैं अभी गुजराती वाड़ी में आने वाला हूँ और यहाँ पे ही मेरा एक तबला क्लास था जहाँ पे मैं तबला एंड संगीत सीखता था। इतनी आत्माएं समा रखी है तेरे अंदर। ओके सो गाइस ये मेरा तबला क्लास था यहाँ पे। नहीं है का? मजाक हो रहा है, मारो मुझे, मारो मारो। रहो दे रहो दे, कहीं नहीं रहो दे, नंबर क्यों डाक्टर सर अंदर कॉल करूँ यहाँ से। तो गाइज यहाँ पे हम लोग घूमते घूमते हमारे को तीनों हमारे फ्रेंड्स मिल चुके हैं। सो गाइज अभी मैं घूमते घूमते इधर फिर अभी आने वाला हूँ ना चोपड़ा में, और मेरा दोस्त जो इधर खड़े वाला है फोन में बात करते हुए, वो अपने दोस्तों को सबको बुला रहा है, और वो जो तीन अभी गए वहाँ से अभी जो जा रहे हैं वो लोग मेरे दोस्त थे मेरे, मैंने उनको पहचान लिया और ए डिवीज़न में मेरे साथ में थे और ये भाई मेरे साथ में बी डिवीज़न में था 8th में। मुझे नहीं लगता कोई आएगा करके जो इसमें आया। पिछले लास्ट टाइम नहीं बैठ लो तेरे मतलब आशा होता कौन नहीं बैठना नहीं जाते। हाँ चल चोपड़ा का एमजी कॉलेज एंड यहाँ पे मेरी बहन भी थी। एमजी कॉलेज आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरी बहन थी और ये भाई भी था। आता तू कौन सा कॉलेज ला रहा है? आता मैं राय सोनी ला जा रहा हूँ। राय सोनी ना 11th में थे साले। अरे वाह गाइस ये है बापू टी हाउस, यहाँ पे यही पे चाय पीने को आते थे हम लोग। हेलो कर लस्सी, चल चल पैसे 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 नहीं है, पैसे तो नहीं है। तो गाइस लस्सी पीने को आए अभी हम लोग इधर, लस्सी पियेंगे। और यही जगह थी जहाँ पे चाय पीने का मुझे शौक लगा था बचपने में। क्या कह दिया मैंने, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, बट उसके बाद में चाय पीना छोड़ दिया मैंने। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो गाइस अभी पीते अभी अपना लस्सी। वाह क्या सीन है।
Cheers. Okay. So let's go. अभी जाते जरा चोपड़ा घूमने को और दिखाते आप लोगों को चोपड़ा की गलियां। बहुत यहाँ पे परेशानियां चालू है आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि रास्ते पूरे खाली है। Approximately 10 hours later. अभी मैं बाहर निकला हूँ डीएन भाई के साथ में। ज्यादा देर हो नहीं फिलहाल क्योंकि मुझे शाम को निकलने का है, तो मैं अभी जितना हो सकता है उतना घूमने की कोशिश करूंगा, लोगों से मिलने की कोशिश हो सकती है उतना कोशिश करूंगा। बस आज का ये शेड्यूल। और मेरे भाई ने बताया है कि अभी 11 बजे के बाद में लॉकडाउन हो जाएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद में अपने घूमते नहीं आएंगे ऑफिशियली। अभी दिन का टाइम में दिखाता हूँ आपको चोपड़ा कैसा दिखता है। तुमसे ना हो पाए अभी आप लोग को शॉर्ट में मैं एक टाइम लैप्स बना के दिखाता हूँ कि चोपड़ा का अभी कैसा हम लोग घूम रहे हैं। तो कह रहे भाई हाँ व्लॉग चालू है। 7वीं 8वीं में मैं था यहाँ पे, काफी एंजॉय किया है ये ग्राउंड में, काफी कुछ याद है इधर की। सर लोग अगर होंगे इधर मिलने की कोशिश करेंगे हम लोग। उधर वो जो 170 नंबर का हॉल रूम है कॉर्नर का, वहाँ पे मेरा क्लासरूम था। यार एक असं आहे ना की एवढ्या जागी बदली झाली आमची, तर त्याच्यामुळे ना सगळीकडे जे स्कूल होते माझे तिथे माझं अटॅचमेंट आहे। एकच स्कूलमध्ये नाही असं, सगळ्या स्कूलमध्ये अटॅचमेंट। आता मी नाशिकला पण होतो ना, तिथे पण रवींद्र स्कूल, तिथे पण असं जातो मला त्यांना याद आहे वहां की। बट कोई सर लोग मिल नहीं पाया इसलिए मैं वहाँ का ब्लॉग ज़्यादा नहीं कर पाया। अगर सर मिलते तो सर आप लोगों को मेरे किस्से बता देते कि मैं स्कूल में कितना बदमाश परेशान कर देता था सर लोगों को। सर लोगों ने मेरे को बचा के रखा है। उस टाइम में जो मेरा दोस्त है जो अभी गाड़ी चला रहा है दिनेश, इसके साथ में भी मेरे बहुत झगड़े हुए वाले हैं। सभी दोस्तों के साथ में झगड़े हुए वाले हमेशा। मेरे मम्मी पापा को हर हफ्ते में एक चक्कर तो मारने पड़ते थे मेरे वजह से। तो गाइज अभी मेरा एक अच्छा बचपन का फ्रेंड है रोहित, और मेरा नाम मोहित आप लोगों को पता है। तो हम लोग दोनों साथ में बैठते थे 7th में। ये मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था, बहुत परेशान करते थे एक दूसरे को। और हम लोगों ने मिलके साइंस एग्जीबिशन में हाइड्रोलिक जैक का भी प्रोजेक्ट करे थे। स्मार्ट सिटी का भी एक मैंने अकेले ने किया था, लेकिन तब वो नहीं था, तब मैं दूसरे क्लास में था। आप लोगों को मैंने बोला ही पहले कि मैं 7th के बाद में 8th में दूसरे वर्ग में गया था, मतलब दूसरे डिविजन चेंज किया था मैंने, क्योंकि मैं इधर बहुत परेशानी करता था और उधर जाने में भी परेशानी करता था, बहुत बचाता रहता था मेरे को। बहुत सालों से हमारी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। नासिक में आया तो मेरे को मिला भाई, और नासिक में रहने वाला अब से, और मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरे सोसाइटी के जो कॉलेज है उसमें। अभी नासिक में ये अपने साथ में रहेगा ज्यादा करके, रहेगा कि नहीं भाई। ये इसका यहाँ पे शॉप है वास्तु मार्बल नाम से, पप्पा का है ना, पप्पा का है, इनका बिजनेस है टाइल्स का, मार्बल्स का। तो पटेली करते रहते बिजनेस वगैरह एकदम। आप लोगों को भी कुछ लेने का रहेगा मार्बल जैसी चीज चोपड़ा में या तो जलगांव एरिया में, तो आप ये वास्तु मार्बल इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे दोस्त हमारी खातिरदारी करते हुए। Cheers. So guys, अभी मैं महेश भाई के घर के अंदर आया था, तभी जैसे मेरे को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला रहे, कुछ ना कुछ पिला रहे, वैसे आंटी ने और भाई ने मेरे को मिल के सब खिलाया, बातें बातें हुई, फिर अभी हम लोग निकल रहे इधर से। अभी ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है इतना आज के दिन में, और अगले टाइम आऊंगा तो अच्छे से अच्छा घूमने की कोशिश करूंगा, और तब लॉकडाउन नहीं रहा तो और भी अपन बहुत कुछ करेंगे। अपना महेश भाई यहाँ पे
महेश भाई माधवानी। इस बात के ऊपर 64 सलामी बनती है यार, ऐसे टाइम पे शूटिंग लेने का था। सो गाइस, मैं अभी मेरे एक दोस्ती करके इधर आया हूँ जिसका नाम यश, तो अभी उससे मिलता हूँ और यहाँ पे उसका घर है, अब दोस्तों से आज मिलते जा रहे हैं। A few moments later. बाबा माझा एक बाइक वर चांगला फोटो। बाप रे तू एस बोल रिपोर्टर ओम भाई, रिपोर्टर फ्रॉम चोपड़ा। ओके रोलिंग बोल। इधर तूफान आ रहा है चोपड़ा में और इनको बताया किसी को जाने वाला है, आपने सुना होगा अभी तूफान आने वाला है और जो क्लाइमेट है आप देख सकते हो उधर। ओके बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। अब सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा अपने घर में रहिएगा। कितने आदमी थे? ये अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। ओके सो गाइस, अभी 4:36 हो रहे हैं और अभी मैं इधर दिनेश के घर पे हूँ। यहाँ पे बारिश के जैसा मौसम लग रहा है, क्लाउडी सीजन हो चुका है अभी यहाँ पे बहुत, और ऐसा लग रहा है बारिश गिरने वाली है और बारिश गिर भी रही है थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक एकदम। तो गाइस ऐसा कुछ सीन है फिलहाल, और अभी ये टाइम है मेरे को बाहर जाने का था फिर से दोस्तों के साथ मिलने को, लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे बारिश है करके अटके अभी हम लोग। ये एक बार नॉर्मल हो जाए तो फिर हम लोग जाएंगे बाहर और घूमेंगे फिर। भाई अरे बाप रे, कुछ भी बोलो दिनेश भाई ने आज अपना फुल साथ दिए ले। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओम रिपोर्टर जी, कैसा लगा आपको बुलेट में बैठ के? अच्छा लगा, और मेरी तरफ से बुलेट को 5 करोड़ मिले। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बाबरा बाप, कंपनी विकत घेना रे उधर आपला। तो गाइस अभी 5 बजने पे और फिर भी बारिश वाला सीजन कंटिन्यू है और बारिश अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा गिरने वाली है। आई एम सॉरी बाबू, ये सीजन तो सिर्फ यहाँ पे है, अब ये कहाँ कहाँ पे है, अभी सिटी में भी है कि तो ये मुझे नहीं पता, बट अभी स्टिल अपन ये होप में कि ये बारिश जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और अपने को घूमता है अच्छे सीजन में। ये दोनों बच्चे लोग मेरे को साथ में बैठे वाले, हेलो तू मेरा दोस्त। ये दिनेश के भांजे भांजी दोनों, तो दिनेश भाई मामा बन गए। आता कितना मामा बनना है? मैं नहीं बताऊंगा। सवा पांचन का मामा अभी वो, और सवे का भी बनने वाला है भाई को, पहले से कॉन्ग्रेचुलेशन है। गाइस अभी बारिश गिर रही है। ये झाड़ के तरफ देखो गाइस कितना ज्यादा मूवमेंट इसकी। हमारे साथ रिपोर्टर ओम भाई कवरेज करते हुए, लाइव कवरेज। One hour later. ये मेरा स्कूल का फ्रेंड निर्भय और यहाँ पे फरीद सुंदर वंजे डायरेक्ट। ओ तू क्या करते हो? बहुत नाराज होते हो, बहुत शिकायतें करते हो। एक पपी इधर, एक पपी इधर। हाँ मोहित मोहित। रिप्लाई भी नहीं। हाँ ऑफ ऑफ ऑफ। यही बताएंगे आप लोगों को मेरी है कि नहीं। देखो यार ये लोग अभी मेरे रोस्ट ले रहे हैं। अरे यहाँ मुझे डायरेक्ट वीडियो सेंड कर दो, व्हाट्सएप चेक कर। इंस्टाग्राम में फुल क्लीन शीट है ना? बोलो भाई, दो बंदे आए
अबे साले मेरे को क्लीन चिट चाहिए भाई। हाँ। एक भी मैसेज नहीं है। हाँ। साले आपली मजा यार व्हाट्सएप रहा दे यार। नहीं नहीं व्हाट्सएप भी नहीं तेरे को क्लीन चिट चाहिए नंबर नहीं मिलता व्हाट्सएप रहने नहीं आता कुछ कान ठीक है चल क्लीन चिट बापरे 3900 कुछ भी फेंकते जा रहा है किधर किधर है दिखा 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 चल कुछ नहीं हम लोग कुछ क्लीन है ये खुशी कौन है रे कुशल है क्या देखेगा तू मतलब म्हणजे त्याने मुलांचे नाव ठेवले रे यश काम रे यश ची आयडी चेक करू अरे कर 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 इंस्टा पे कितने लड़कियों को तूने मैसेज भेजा है हाँ रिप्लाई नहीं आते वो बात अलग है लेकिन मैं जाता है ना यार तू सबको रोस्ट करता दिनेश को और मेरे सभी चोपड़ा के दोस्तों को काफी अच्छे से आप लोगों ने ट्रीट किया मुझे और काफी सपोर्ट दिखाया आज के दिन जो जो दोस्त मिले जो जो नहीं मिले उन लोगों को भी थैंक यू सबसे स्पेशल थैंक्स टू दिनेश आज भाई ने मेरा बहुत साथ दिया आज नहीं कल भी दिया बहुत हम लोगों ने मजे किए इसने मुझे ऐसे कुछ पराई वाली फीलिंग नहीं होने दी और उसके घर वालों ने भी मुझे कोई ऑड फीलिंग नहीं दी सब अच्छे से फ्रेंडली रहे हमारे साथ एकदम और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा चोपड़ा में आने के बाद में और बहुत 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 खुश रहा मैं एकदम घर के जैसा वातावरण रहा और अभी मैं हाईवे में लगने वाला हूँ भैया मुझे घर के बाहर बाय करने आया है यहाँ पे और अभी मैं हेलमेट पहन के निकलने वाला हूँ गाइस बाय बाय चलो गाइस बाय अभी आपको सीधा जुड़े मिलते हैं या तो फिर खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया